विश्व योग दिवस के अवसर पर सुजानपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने सैकड़ों छात्रों और लोगों के साथ योग दिवस मनाया। योग दिवस पर पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि योग और आयुर्वेद देश की पुरानी पद्धति रही है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। धूमल ने कहा कि हर इंसान को योग करना चाहिए ताकि शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। धूमल ने कहा कि योग मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ रहने की हर किसी को आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज योग दिवस पर लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हर दिन योग करेंगे। धूमल ने कहा कि योग दिवस पर इससे पहले भी सुजानपुर में विशाल कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों को प्रेरित किया जा चुका है। घुमारवीं क्षेत्र के एक गांव में स्कूल से घर लौट रही नाबालिग लड़की को अज्ञात लोगों के द्वारा अगवा करने का मामला सामने आया है। ये लड़की अन्य बच्चों के साथ घर जा रही थी तो रास्ते में दो युवकों के द्वारा अगवा करने की कोशिश की गई है। घटना उसमें की है जब बच्चे स्कूल से छुट्टी होकर अपने घर जा रहे थे तो ये तीन बच्चियाँ एक साथ जा रही थी तो अचानक दो युवकों के द्वारा एक लड़की को दबोच लिया गया, जिससे लड़की के कपड़े भी फट गए। साथ घर लौट रही अन्य बच्चियों के द्वारा शोर मचाया गया तो विपरीत दिशा से आ रही एक टैक्सी चालक ने उन दो युवकों के चंगुल से उस बच्ची को बचाया गया। घर पहुंचते बच्ची ने सब जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसे लड़की की माता ने घुमारवीं थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घुमारवीं थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तथा छानबीन जारी है। डीएसपी राजेंद्र कुमार जसवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि क्षेत्र में बच्ची के अगवा करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके छानबीन की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महापर्व पर बिलासपुर का जिला स्तरीय योग दिवस लुहनु स्थित हॉकी मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें एसपी बिलासपुर अशोक कुमार, विदेशी पर्यटक महिला अमेरिका रिचल और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कई संस्थाएं जैसे पतंजलि आर्ट ऑफ लिविंग और गायत्री परिवार ने भी अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और जिला आयुर्वेदिक विभाग के सौजन्य से किया गया शिविर में योगिक क्रियाएं, ध्यान, योगासन आदि विशेषज्ञों की देखरेख में करवाए गए। अमेरिका से आई महिला रिचल ने बताया कि वह मेडिटेशन इंस्टीट्यूट कुल्लू से आई थी, युवा व्यवस्था से ही योग और मेडिटेशन कर रही है। उसने बिलासपुर में योग शिविर में भाग लेने के लिए खुशी व्यक्त की है। शूलनी मेले में जहां एक और रंग सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाती हैं, वहीं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इस बार खास बात यह रही है कि ठोडा, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती के साथ साथ अब इस बार हैंडबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 22 जून को पुलिस ग्राउंड में किया जाएगा। ये खेल क्योंकि पहली बार सोलन में देखने को मिलेगी, इसलिए खिलाड़ियों में भी इसके प्रति काफी रुचि दिखाई दे रही है। ये जानकारी हैंडबॉल एसोसिएशन के सचिव ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि सोलन में ये खेल पहली बार करवाया जा रहा है और इसमें चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल की टीमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने बताया कि हालांकि खेल नया है, लेकिन इसके बावजूद भी हिमाचल के 11 खिलाड़ी इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। राज्य स्तरीय शूलनी मेला 21 जून से 23 जून तक होगा। इस मेले का बड़ी बेसब्री से सोलन की जनता इंतजार करती है। इसमें तीनों दिन रात को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और बहुत सी खेल कूद प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं। इस मेले में इस बार क्या खास रहेगा, इसकी जानकारी डीसी सोलन विनोद कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल शूलनी मेले की शुरुआत करेंगे, वहीं दूसरे और तीसरे दिन
ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल मुख्य अतिथि होंगे। डीसी विनोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले दिन गायक गीता भारद्वाज और विक्की चौहान दर्शकों का मनोरंजन करेंगे, वहीं दूसरे और तीसरे दिन हंसराज रघुवंशी, कृतिका तनवर, अनु शर्मा एवं पंजाबी सूफी गायक सतिंदर सरताज व बॉलीवुड गायक पूर्ण शिवा मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पशुओं की प्रदर्शनी और कवि सम्मेलन का आयोजन भी पहली बार आयोजित किया जा रहा है।